वेलकम टू तरुण आई अभी कुछ ही दिनों पहले करीब तीस के करीब जो नक्सलाइट पीपल हैं दे वर किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि नक्सलाइट नक्सलाइट्स की एम्बुश में हमारे देश के बहादुर सोल्जर्स को हमारी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान का बलिदान देना पड़ा है because uh, this particular news has happened just a few months before the uh, prelims and mains examination so this, this topic naxalite movement in india its causes and the probable solutions this becomes very important for the upcoming exams so in this class we will study this topic holistically इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि आज तक इस मोमेंट के अंदर जो भी कवर हुआ है चाहे वो प्रिलिम्स का एग्जाम हो उससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस हो चाहे मेंस से रिलेटेड यू नो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर हमें लिखना हो ये सारी चीज़ें हम आज इस पर्टिकुलर क्लास में इस टॉपिक के अंडर कवर करेंगे इसके बाद एटलीस्ट इस टॉपिक के लिए आपको दूसरे सोर्सेज को रेफर करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन हाँ Uh, कोई भी नई डेवलपमेंट होती है आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे तो उस नई डेवलपमेंट्स को या कोई नया इनिशिएटिव कोई नई स्कीम गवर्नमेंट शुरू करती है कोई नया स्टेप लेती है तो उसको आपको अपने नोट्स में आ, डालना होगा so in this class uh, you have to uh, listen to it very carefully because we are going to solve some of the mcqs also and we will also give a mains related question to you this uh, is also a part of main syllabus gs uh, mains paper 3 so let's start this particular topic so context we have seen why we are studying this topic because uh, in a counter uh, insurgency operation around 25 naxalites were killed by the security forces so this happened in Kanker district of Chhattisgarh so uh, how we are going to discuss this particular topic so this is uh, the various headings uh, we are going to discuss this topic comprehensively so uh, we have seen the introduction then uh, first of all we will see what is the difference between uh, these terms, which we often encounter while reading this particular topic. So, is there any difference between left wing extremism, Naxalism, and Maoism? So, first of all, let us see the term Maoism. What is Maoism? So, uh, the followers of Mao Zedong, which was a revolutionary uh, politician uh, in China, so his followers are called uh, Maoists. He had given his ideology, his theory, which is called Maoist ideology. So, what was that? Uh, it says that uh, if you are if you dislike you know the current government, then it can be overthrown uh, through violent means with the help of uh, masses of the people. So Maoist जो आइडियोलॉजी है इसको देने वाला जो पर्सन था वो था माओ जी डोंग जो कि चाइना का एक पॉलिटिशियन एक रेवोल्यूशनरी था उसने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चाइना में 1930s और 40s में की थी उसने वायलेंट स्ट्रगल uh, किया था उस समय की स्टेट के खिलाफ बाय यूजिंग पीपल ऑफ चाइना तो जो लोग इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं माउस्ट तो माओइज्म मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये जो ये कहती है कि वी हैव टू वायलेंटली ओवर थ्रू द स्टेट द करंट गवर्नमेंट्स एंड वी हैव टू सीक द हेल्प ऑफ द पीपल विद द हेल्प ऑफ पीपल वी आर गोइंग टू ओवर थ्रू वायलेंट विद वायलेंट मीन्स द करंट एस्टेब्लिशमेंट सो दिस इज कॉल्ड माओइज्म और माओइस्ट आइडियोलॉजी इट वॉज गिवन जी डोंग ऑफ चाइना सो एनी पर्सन एनी ग्रुप हु फॉलो दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इज कार्ड माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट एक अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आइडियोलॉजी को इंडिया में फॉलो करती है बिकॉज ये आइडियोलॉजी यह कहती है कि वी कैन ओवर थ्रू द स्टेट द करंट गवर्नमेंट द यूनियन बीट द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट विद वायलेंट मीन्स तो बिकॉज दे आर दे फेवर वायलेंट मीन्स सो दे आर ऑलरेडी बैंड इन इंडिया सो यू हैव टू रिमेंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से दूसरी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका वायलेंट मीन से कोई लेना देना नहीं है वो इंडिया की पॉलिटी में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट uh, हो चुकी हैं और वन सच पार्टी इज आल्सो हैविंग अ स्टेट गवर्नमेंट इन केरल सो दे हैव नथिंग टू डू विद दिस माओइस्ट आइडियोलॉजी ओनली द बैंड माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट दिस दिस ओनली ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली नाउ फॉलोज द फिलोसोफी ऑफ माउइज इन इंडिया एंड इट इज ऑलरेडी बैंड अंडर अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सो आई थिंक नाउ बाई ना दिस पर्टिकुलर टर्म माउइज इज क्लियर टू यू ना वट इज नक्सलिज्म तो हुआ क्या था नाइनटीन सिक्सटी सेवन में नक्सल बारी एक विलेज में जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है वहाँ के कुछ पीजेंट्स ने और ट्राइबल पीपल ने उस एरिया के लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक वायलेंट मूवमेंट छेड़ी थी तो इस मूवमेंट में ऐसे पीजेंट्स का साथ उस उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने दिया तो इस तरह से ये नक्सलिज्म वर्ड का जो है ओरिजिन हुआ सो द वर्ड नक्सलिज्म इज़ फ्रॉम द विलेज फ्रॉम वेयर

नक्सल पीपल सो so, कोई भी ऐसे लोग या ऐसा ग्रुप जो कि वायलेंट मींस को यूज कर करना चाहता है उसको उस समय के इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद से नक्सल वर्ड यूज करना शुरू कर दिया उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सो हु आर नक्सल्स सो एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू यूज वायलेंट मींस टू अचीव देयर पर्पस आर कॉल्ड नक्सल्स अब नक्सलिज्म जो है आ, उसका आपने मेन करेक्टर देखा कि ये भी वायलेंट मींस को प्रेफर करता है मॉइस्ट भी हैं जो वायलेंट मींस को प्रेफर करते हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू तो हमें ये समझना पड़ेगा इंडिया के कंटेक्स में हम बात कर रहे हैं इंडिया के कंटेक्स में माइस्ट कौन है एनी पर्सन हु इज ए कैडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट जो कि माओ डी ज़ोंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है violent overthrow ऑफ़ दी करंट governments नक्सलीज नक्सलाइट्स कौन है अ ग्रुप एनी ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया हु फेवर्स वायलेंट मींस टू अचीव दियर पर्पस सो सच पीपल आर कॉल्ड नक्सलाइट्स सो वी कैन से दैट ऑल द माओइस्ट पीपल आर एक्चुअली नक्सलाइट बिकॉज़ नक्सलिज्म नक्सलिज्मीन्स वी वॉन्ट टू अचीव अवर एम विद द हेल्प ऑफ वायलेंट मीन्स बट ऑल द नक्सलाइट माइट नॉट बी द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माइस सो हम ये कह सकते हैं कि सारे माइस uh, जो हैं वो नक्सलाइट्स हैं लेकिन सारे नक्सलाइट्स जो हैं वो मॉइस नहीं हैं देन वट इज दिस टर्म लेफ्ट बिंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया के कंटेक्स में नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इन दोनों का मीनिंग सेम है चाहे आप ये टर्म यूज करें चाहे ये टर्म यूज करें इन दोनों का ही मीनिंग सेम है तो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर हैडिंग वी हैव सीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म माओजम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्राम नक्सलिज्म वी हैव आल्सो लर्नड डेट नक्सलिज्म And left wing extremism, extremism are actually the same terms. Now, let us come to the next heading left wing extremism affected regions in India and the Red Corridor. तो इस समय जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीजम एक्सट्रीमिज्म है या नक्सलिज्म नक्सलाइट मूवमेंट है वो इंडिया में करीब आठ से दस स्टेट में इसका अफेक्ट अभी भी है मेनली ये स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल इंडिया में लाई करती हैं लाइक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक केरल इवन बिहार एंड यूपी एज वेल तो ये कुछ ऐसी स्टेट हैं जिनके बैकवर्ड एरियास बहुत ज़्यादा तादाद में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं देन व्हाट इज़ दिस रेड कॉरिडोर तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं यू सी दीज आर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देन तेलंगाना आंध्र प्रदेश सो यू सी दिस दिस पर्टिकुलर रेड रेड एरिया मार्क बाय दिस रेड लाइन इज एक्चुअली कॉल्ड रेड कॉरिडोर why uh, uh, this is uh, separated out because this is the most violently uh, Naxalism affected area of India. This particular region which is actually lies at the you know, crossroads of so many different states is the most affected area because of left wing extremism in India. So this particular region is called uh, Red Corridor. So, we have seen this particular heading uh, number of states around 8 to 10 states mainly in the central part of India are mostly affected with left wing extremism. What uh, is Red Corridor? A smaller area at the intersection of Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh. Uh, which actually the you know uh, where the Naxalism is most concentrated at the present time is called Red Corridor. देन व्हाट आर द ओरिजन्स ऑफ नक्सलिज्म हमने ब्रीफ में तो ये डिस्कस किया ही है कि 1967 में नक्सल बारी एक विलेज से इस पर्टिकुलर मोमेंट की शुरुआत हुई अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अलग अलग नक्सलिज्म में फेसिस थे तो पहला फेज जो था वो 1967 से नाइनटीन सेवनटी तक चला तो इसमें क्या हुआ आ, With the from this uh, Naxalbari village in West Bengal, some peasants actually started violent uh, movement against the landlords of the particular area because there was concentration of land in the hands of a few landlords and they were actually exploiting uh, a huge chunk of smaller peasants and adivasi people. So these people, because of their oppression, they joined hands or supported by the communist uh, people who were actually following the communist party of india, and they started a movement. so from this, uh, the naxalism movement was started. however, inspired by you know, the ideals of naxalism and because of uh, uh, deterioration of the, of the quality of life by people from many other parts of india, they took inspiration from this particular moment and soon naxalism started to spread in many regions and many uh, in many regions across different states of india however the government of the time was very proactive it joined hands with the state governments where this particular violent movement was spreading so they Crushed this particular movement in its initial phases within four years. Central government also launched Operation Steeplechase Chase as well to crush this particular movement. So, this was the first phase of Naxalism from 1967 to 1971. This movement was thoroughly crushed uh, by the central government with the help of affected state governments.

ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके थे ऑलरेडी हमने हमें अपना सोना रिजर्व बैंक को गिरवी रखना पड़ा था तो ऐसे बहुत से क्राइसिस हमने देख लिए थे तो देन वी स्टार्टेड ओपनिंग अप आवर इकोनमी टू द प्राइवेट प्लेयर्स बीट द फ्रॉम द इंडिया और फ्रॉम द आउटसाइड तो इससे क्या हुआ जो एरियाज अभी तक एकदम आइसोलेटेड थे खासकर सेंट्रल इंडिया के मिनरल रिच कोल रिच एरियाज एंड फॉरेस्ट रिच एरियाज उनकी एक्सप्लेटेशन शुरू हो गई बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ जाके यू नो माइंस डेवलप करना शुरू कर दिया पेड़ों को काट के वहाँ रास्ते बनाए जाने शुरू हो गए बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गई तो ऐसा कुछ हुआ कि इनकी जो इनसे जो डेवलपमेंट हो रही थी उसके फ्रूट्स उन लोकल पीपल तक ना पहुंच ना पहुंच नहीं रहे थे और एट द सेम टाइम दे वर आल्सो फीलिंग गेटिंग एक्सप्लोइटेड बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट दे वर डिपेंडेंट ऑन देअर लैंड एंड दिस लैंड्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम ऑन द गर्ब ऑफ डिवेलपमेंट तो इस फेज में अगेन जो अभी अफेक्टेड पीपल थे एंड दे वर इन ह्यूज नंबर बिकॉज लॉट एरिया वर ओपन फॉर द प्राइवेट प्लेय टू सेटअप माइंड एंड टू कट द फॉरेस्ट एंड ऑल जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए एंड अगेन बिकॉज ऑफ सम स्पलिंटर ग्रुप्स ऑफ द अर्लियर नक्सलाइट मोमेंट दिस मोमेंट स्टार्टिड अगेन तो ये एक रीज़न था 1990s में इस मूवमेंट के दोबारा शुरू होने का कि उस समय डेवलपमेंट प्रायोरिटी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी गोल रख के सरकार ने माइंस की और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोटेशन को ज़्यादा ढील दे दी इससे लेकिन डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स थे वो सभी लोगों तक ना पहुंच के नहीं पहुंचे और इसके कारण उनकी डिससेटिसफैक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट शुरू हो गई उन लोगों ने पहले वाली मूवमेंट के लोगों के साथ ज्वाइन करा और फिर से ये मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आई इसका मॉडर्न फेज जो है जिसको फेज थ्री भी कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ 2004 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बनी जो कि एक्चुअली uh, जितने भी उस समय के छोटे छोटे ग्रुप थे वो सब मिलके उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माइस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माउस्ट बनाई तो वहां से uh, uh, 2004 से हम कह सकते हैं एक मॉडर्न फेस जो है uh, नक्सलाइट मूवमेंट का इंडिया में शुरू हुआ सो फर्स्ट फेस टोटली एंड थोरोली क्रस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट

सॉरी इन इन फेसेस में इस मोमेंट का शुरुआत हुई और ये ये कारण थे लेकिन वो क्या रीजन थे जिसके कारण इस मोमेंट को बल मिला और ये बहुत सारी स्टेट्स तक फैली तो उन रीजंस को हम इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि चीफ रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें हम कह सकते हैं लैंड ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1971 के सेंसेक्स में ये पाया गया कि करीब चार परसेंट जो रिच लोग हैं उनके पास करीब 60 परसेंट ऑफ द लैंड रिसोर्स कंसेंट्रेटेड है इंडिया जैसी कंट्री में जहां गरीब इतने ज़्यादा हैं उनमें सिर्फ चार परसेंट अमीर लोगों के पास सिक्सटी परसेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज थे तो इतनी ज़्यादा इनिक्वालिटी इतनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो ये एक मेजर फैक्टर था कि लोग डिसटिस्फाइड थे द वे देयर लाइफ वाज़ गोइंग ऑन अंडर द करंट सेंट्रल एंड अंडर द देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सो लैंड ऑनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी स्क्यूड इट वॉज कंसेंट्रेटिड इन देंड्स ऑफ ए फ्यू पीपल दैन इकनॉमिक एक्सप्लोटेशन जिस एरिया में नक्सलाइट मोमेंट अभी भी जो बची हुई है हमें देखना पड़ेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा रिसो नेचुरल रिसोर्स रिच रीजनस हैं वहाँ कोयला है वहाँ आयरन और हैं वहाँ दूसरे तरह के रिसोर्सिस हैं वहाँ फॉरेस्ट हैं तो जब इन रिसोर्सिस की एक्सप्लोटेशन शुरू हुई उसी के साथ साथ इन ट्राइबल्स और पुअर पीजेंट जो एक्चुअली इन लैंड्स और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे उनकी एक्सप्लोटेशन भी शुरू हो गई तो ये एक मेजर रीजन था अंडर द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की नक्सलिज्म मूवमेंट जो है इंडिया में स्प्रेड करी देन लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज आप जानते ही हैं कि नाइनटीन का दौर इंडिया में बहुत टफ था ऑलरेडी हमने पाकिस्तान से एक वॉर लड़ ली थी 1971 में अगेन वी हैड ए वॉर विद पाकिस्तान इन 1962 वी डिफीटेड बाय चाइना एंड वी वर आल्सो फोर्स्ड इन दीज वर डिपेंडेंट ऑन फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट लेटर द कंडीशन चेंज्ड बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बट यूसो नो डैट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड ओनली टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया तो ये सारा रीजन जो सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल ईस्ट एंड ईस्टर्न रीजन था उस पर यह डिवेलपमेंट नहीं पहुंची सो देर वर लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज जिसके कारण इन लोगों में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन थी फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आई हैव गिवन यू द एग्जांपल डेट इन अकॉर्डिंग टू नाइनटीन सेवनटी वन फोर परसेंट ऑफ द पीपल वर होल्डिंग एक्सेस टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज So, जो लैंड रिफॉर्म थे उनकी इंप्लीमेंटेशन इतने अच्छे से नहीं हुई जो एक्सप्लेटेशन इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद वो बड़े बड़े लैंड और मनी लैंडर्स ने शुरू कर दी सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस ऑफ यू नो स्प्रेड ऑफ द नक्सलेट मूवमेंट इन इंडिया अंडर द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देन वट वर द पोलिटिकल फैक्टर्स मार्जिनलाइजेशन एंड एलियनाइजेशन यू नो जहां कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी तो वहां पर ये फैक्टर अपने आप आ जाएगा तो जिसके पास वेल्थ होगी दे विल हैव मोर एक्सेस टू यू टू पॉलिटिकल एरिना उन्हीं के लोग बार बार पॉलिटिशियन बन के आएंगे फिर वो दोबारा से एक्सप्लेटेशन करेंगे और ये विशेष सर्कल साइकिल uh, चलता रहेगा सो देर वॉज मार्शलाइजेशन एंड एलियन ऑफ द पीपल लोगों को लग रहा था कि जो उनकी आवाज उठाते हैं वो लोग तो पावर uh, में है ही नहीं देन दे स्टार्टेड लुकिंग टू दीपल हु दे थिंक माइट रेज दियर वॉइस बट दे फाउंड सच पीपल इन द फॉर्म ऑफ नक्सलाइट पीपल देन फेलियर ऑफ गवर्नेंस अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट की अप्रोच उन एरियाज में वहाँ स्कूल्स बनाना वहाँ जॉब अपॉरचुनिटीज़ पैदा करना अगर ये सही रही होती तो ये मूवमेंट कभी भी इतनी uh, बड़े स्केल में नहीं फैलती सो वी कैन से दैट देर वॉज फेलियर ऑफ गवर्नेंस आल्सो देन रिप्रेशन एंड वायलेंस इनकी जो लैंड थी डेट वाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सिस तो कोई भी अपने लैंड को ऐसे ही आसानी से जाने नहीं देगा तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस उस समय हुए जिससे uh, इन लोगों की बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई ताकि इनसे यू नो बाय हुक और बाय क्रुक इनसे इनकी रिसोर्स इनकी लैंड को छीन लिया जाए तो ये सब चीज़ें हुई जिसके कारण नक्सलैंड मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैली खास करके नाइनटीन नाइनटीज के दौर में सो दीज वर सम ऑफ द समिटिकल फैक्टर्स नाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आप देखेंगे कि आज भी नक्सलाइट मूवमेंट जिन एरिया में कंसेंट्रेटेड है दे आर हैविली फॉरेस्टेड दे कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट दे अटैक द सिक्योरिटी फोर्सिस एंड दे जस्ट यू नो गुम हो जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह में तो ये वो एरियाज थे जो कि बहुत रिमोट थे बहुत माउंटेनस टाइप थे और रिच इन फॉरेस्ट थे तो ऐसी जगह ये एरिया होने के कारण लोगों का छिपना इन रेबेलियंस का छिपना बहुत आसान होता था तो इससे इनको ज़्यादा बल मिला ये अपना काम करके फिर से इन एरियाज में छिप जाते थे और दूसरा ऐसा का, आ, कारनामा करते थे तो ये कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी थे जिससे नक्सल एंड मूवमेंट को इस पर्टिकुलर रीजन में इन स्टेट्स में जो आठ से दस स्टेट हैं सेंट्रल इंडिया के पार्ट में यहां स्प्रेड करने का मौका मिला नाउ व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नक्सल एंड मूवमेंट इन इंडिया सो बिकॉज दे आर क्लोजली लिंक्ड टू द माओइस्ट आइडियोलॉजी सो देअर प्राइम एम इज ओवर थ्रो ऑफ द करंट गवर्नमेंट एंड प्लेस एंड एस्टेब्लिश इन इट्स प्लेस सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दे वांट टू अचीव दिस एम नॉट पोलिटिकली नॉट थ्रू इलेक्शन बट वायलेंटली बाई यूजिंग द पीपल सो दिस इज द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नक्सलेट मोवमेंट इन इंडिया कि भारत सरकार को हटा के वो वहां पर लोगों की द सो कॉल पीपल्स गवर्नमेंट लाना चाहते हैं ऐसा ही सेम चाइना में माओ जिडोंग के अंदर हो चुका है दे वांट टू रिपीट द सेम थिंग हेयर इन इंडिया लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि वो 1930s थर्टीज और नाइनटीन फोर्टीज की बात आज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज में कर रहे हैं जिसका कोई भी रेलिवेंस है नहीं इसलिए इनका सपोर्ट आज आ, कम से कम होता जा रहा है so this is the aim and objective of the naxalite movement in india to violently overthrow the current government and establish a system which is uh, more representative of the people and all and use this with the help of violent uh, with the help of violence then political and military strategy of the naxals इस नक्सल्स की जो भी स्ट्रेटजी है उसमें जो लोग हैं वो आ, एक सेंट्रल पोजीशन सेंट्रल रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही यही कहती है डेट यू हैव टू वायलेंटली ओवर द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द पीपल दिस शुड बी अ पीपल्स रेवोल्यूशन तो अगर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है तो इसका इसके अंदर दे वांट टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल सो दैट दे सपोर्ट देम इन दियर एम और अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी की भी बात करें तो यू नो you know, इन इनको लोकल लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बिकॉज ये उन्हीं में जाके घुल मिल जाते हैं उन एरियाज का सिर्फ लोकल लोगों को पता है अगर लोकल लोग जो इन माउस्ट अफेक्टेड एरियाज में रह रहे हैं अगर वो इनका साथ ना दें तो ये मूवमेंट ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती तो चाहे इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो चाहे मिलिट्री स्ट्रेटजी हो इनका मेन जो सेंट्रल पॉइंट है वो है कॉमन पीपल तो ये जो भी करते हैं दे टेक कॉमन पीपल इनटू देयर कॉन्फिडेंस दैट इज हाउ दे गेन गेंपथी अगेंस्ट अमंग दीज पीपल इम्पैक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑन सोशियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्वेयर अब कहीं पर वायलेंस होगी तो लोग वहां जाकर फैक्ट्रीज तो नहीं लगाएंगे वहां जॉब्स नहीं होंगी नई नई इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो ये सबसे बड़ा ड्राबैक है कि सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बहुत बड़ा रीजन जो है आज इंडिया के सबसे बैकवर्ड रीजन्स में से एक है जबकि वो एक मिनरल रिसोर्स रिच नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया है यहाँ टूरिज्म के बहुत सारे ऑपरचुनिटीज़ हैं यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत अच्छे से हो सकता है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लॉय करके वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है लेकिन बिकॉज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं है दूसरा यू नो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इफ पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिस विल नॉट बी गुड फॉर द डेमोक्रेसी So under Naxalite people, the common people are unable to integrate themselves with the uh, you know, political democracy. They are unable to uh, stand as um, representative of the people or they are unable to go and vote uh, or cast their vote. So these are some of the negative effects of the, uh, this uh, left-wing extre extremism movement in India. Agar waha violence hoga, how will we the government will go and establish hospitals schools and other such things there so uh, because of left wing extreme, extremism a large portion in the central india is one of the backward regions without without any other natural cause करंट ट्रेंड्स ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जैसे हमने देखा ही था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीब 30 के करीब नक्सलाइट पीपल को मारा है और ये ट्रेंड काफ़ी समय से चल रहा है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एबल टू यू नो इस मूवमेंट को एक तरह से कंट्रोल करने में काफ uh, काफ़ी हद तक uh, सही साबित हो रही है पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और ये इनिशिएटिव अलग अलग लेवल्स पर है वो वहाँ डेवलपमेंट कर रही है ताकि लोग इस मोमेंट को ज्वाइन ना करें दब उसने सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बहुत इम्प्रूव कर दिया है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अच्छे से इन माउस से जो कि गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं उनसे डील कर सकें उसके अलावा हमने देखा कि इनकी जो स्ट्रेटी है उसमें लोग जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट है तो गवर्नमेंट अपनी एक सेल्फ इमेज जो परसेप्शन है लोगों के बीच में उसको चेंज करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम कर रही है ताकि जो कॉमन लोग हैं वो इनका साथ ना देके मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें तो हम कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव्स को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर इंसर्जेंसी रिलेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बिकॉज नक्सल पीपल जो है वो वायलेंस uh, का यूज करते हैं तो उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट तो 2004 में जब मॉइस्ट uh, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से नक्सलट मूवमेंट एकदम से फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको टैकल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया जिसमें आर्मी और अदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वर सेंट टू तो द अफेक्टेड एरियाज टू तो क्रश दिस पर्टिकुलर मूवमेंट देन सलवा जुडोम इसमें क्या था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में वो ट्राइबल पीपल जो ये देख रहे थे कि नक्सलेट पीपल आर एक्चुअली एक्सप्लोइटिंग देम और कुछ ऐसे नक्सलैट पीपल जिन्होंने सरेंडर कर दिया था दे वर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द नक्सलेट मोमेंट तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को ट्रेन किया और एक लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को आ, बनाया जिसको सलवा जुडूम बोलते हैं तो इसका ये मेन पर्पज़ था कि वो लोकल लेवल पे विलेज लेवल पे इंसर्जेंट के खिलाफ लड़ाई करें, लेकिन इसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे तो फाइनली 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया देन कोबरा टीम्स वट आर कोबरा टीम्स सो कमांडो कोबरा स्टैंड फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन बिकॉज वी नो

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल बटालियंस बनाई हैं जो कि जंगल वारफेयर वहां कैसे छुपना है कैसे अपने आप को संभालना है कैसे अटैक करना है इस सब की ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छे से दी जाती है तो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन क्या है इट वॉज रेस्ड अंडर द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सोल्जर्स को लेके उनमें से कुछ सिलेक्टेड सोल्जर्स को लेके इस बटालियन का फाउंडेशन रखी गई उजेंड नाइन फॉर अंडिंग इंटेलिजेंस बेस्ड जंगल वारफेयर ऑपरेशंस इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल कंटिजेंट्स तो मेजोरिटी जो है इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से लोग आते हैं इनका मेन पर्पज था कि इंटेलिजेंस बेस्ड आपने एक्शन लेने हैं तो दिस वॉज द मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ पीपल और सोल्जर इन इंडिया Then greyhounds. It is an elite commando force of the combined Andhra Pradesh state, Yaniki Andhra Pradesh and Telangana, created to fight left-wing extremists. It is considered the best anti-naxalite force in the country, like Cobra teams. So these are some of the you know uh, counter uh, uh, insurgency-related uh, initiatives of the government of India. अब डेवलपमेंट रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं लैंड लैंड से रिलेटेड ऐसे एक्ट्स बनाए हैं कि ट्राइबल और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स की लैंड को दूसरे लोग जो है एक्वायर नहीं कर सकते हैं मनरेगा जैसा प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि आ, जब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जिस एरियाज में वहां उनको एटलीस्ट हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट uh, ज़रूर मिले उसके अलावा देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम uh, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो ये वो डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं जहाँ डेवलपमेंट और दूसरे पैरामीटर्स बहुत बहुत कम है एजुकेशन लेवल बहुत कम है हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज बहुत कम है तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके उनको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पर डिवेलपमेंट एक्टिविटीज़ की जाए धानॉक्ट्रीन वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसमें क्या है इट एनक एंटायर स्ट्रेटी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉलिसी टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स अब यह समाधान है क्या एज फॉर स्मार्ट लीडरशिप एग्रेसिव स्ट्रेटी बी डिवेलपमेंट रिलेटेड और एंटी इंसर्जेंसी रिलेटेड लाइक फॉर्मेशन ऑफ कॉबरास एंड ग्रे हाउंड ंग एक्शन एबल इंटेलिजेंस डैशबोर्ड बेस्ड कीटर्स एंड सो ऑन तो इन सारी चीजों को मिक्स करके एक समाधान डॉक्ट्रिन भी लॉन्च की गई है सो यू हैव टू कीप इन माइंड समाधान डॉक्टरिन इज अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रोशनी एक स्कीम शुरू की गई है इज ए स्पेशल इनिशियटिव अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना उसेंड थर्टीन फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ रूरल पुअर यूथ फ्रॉम लेफ्ट अफेक्टेड एरिया तो जो रूरल यूथ आते हैं ऐसे एरिया से जहां नक्सलैंड मूवमेंट बहुत एक्टिव है उनको ट्रेनिंग देके उनको जॉब के लिए सुटेबल बनाना सो दिस वाज लेक्चर ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समय कम होने के कारण हमने इस इस वीडियो में डिस्कस नहीं की हैं लेकिन वो आपको नोट्स में प्रोवाइड की जाएंगी तो एक क्वेश्चन भी देखते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट uh, के ऊपर विच द फॉलोइंग आर अमंग द इंपॉर्टेंट इनिशियटिव फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड नाइन वेन नक्सल एट मोमेंट स्टार्टिड नो अगेन एट ए वेरी लार्ज स्केल so this is a correct option समाधान स्ट्रेटजी वी हैव जस्ट सीन अक्लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स तो इसमें सिर्फ जो एस सी के लोग बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में उनको खास तौर से चुन के उन पे डेवलपमेंट की जाएगी दिस इज आल्सो रिलेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म क्रिएशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन इन नीति आयोग ये डिवीजन तो बनी है लेकिन ये नीति आयोग में नहीं बनी है ये होम मिनिस्ट्री में बनी है तो इसमें से पांचवा जो पॉइंट है वो गलत है वन टू थ्री फोर आर करेक्ट आंसर शुड बी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है ये जो आ, ये जो आ, आ, हमने टॉपिक डिस्कस किया है ये जीएस एस पेपर थ्री रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टूट इंटरनल सिक्योरिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक का हिस्सा होगा तो इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्रिएट किया है वट सोशियो इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स है Persistence of the Naxal movement in India and what are the implications for governance, security, socio-economic development in the affected regions? बहुत सारा मटेरियल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा इसके अलावा हमने जो कुछ भी यहाँ डिस्कस किया है वो सारा बहुत बहुत सिंपल इंग्लिश में ताकि जस्ट आप यू जस्ट रीड इट वंस और बस आपको आ गया उस टाइप से हमारी टीम ने यहाँ तरुण आई में इसको डेवलप किया है तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं आपको अवेलेबल हैं आप ज्वाइन कीजिए तरुण आई प्रीलिम्स uh, के क्वेश्चन का भी प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है प्रॉपर स्टेटमेंट मार्क्स में है कि ये वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन में थी ये सही है कि गलत है मेंस का क्वेश्चन के साथ उसका एक मॉडल आंसर भी दिया गया है ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें आप ये देखें कि यूपीएससी की डिमांड क्या होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल uh, हैं आप जुड़िए दरुण से ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है Uh, वो बहुत बहुत आसान हो सके सो कीप वाचिंग थैंक यू